महावीरी झंडा, नाम सुने हैं क्या? अभी महावीरी झंडा का जुलूस आपको दिखाने जा रहे हैं हम, वीडियो व्लॉगिंग महावीरी झंडा का। हाँ जुलूस में जाएंगे अभी, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? शुरू तो बालेश्वर मंदिर से होता है, खत्म होगा वही तो, पूरा शहर घुमाते वापस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। महावीरी झंडा, नाम सुने हैं क्या? अभी महावीरी झंडा का जुलूस आपको दिखाने जा रहे हैं हम, सब भाई लोग हैं महावीरी झंडा का जुलूस देख के आ रहे हैं और काफ़ी आज भीड़ है। क्या नाम है आपका? नाम शिवम। शिवम भाई है, आगे बलिया से? मऊ से हैं। शिवम भाई है, मऊ से बलिया आए हुए हैं और महावीरी झंडा का जुलूस देखने के लिए। अच्छा लगा मिलके भाई। तो महावीरी झंडा के बारे में बता रहा था, महावीरी झंडा बलिया का बहुत ही खतरनाक धमाकेदार एकदम तगड़ा वाला। चलिए आपको आज दिखाते हैं महावीरी झंडा का जुलूस और उसके बाद देखिए कि महावीरी झंडा का क्या क्रेज़ है बलिया में। अब सोचिए कि मऊ से दूसरे ज़िले से लोग आए हुए हैं, यहाँ मऊ से ही नहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस चीज़ का इंजॉय करते हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं जुलूस के अंदर, फिर देखिए यहाँ का धमाका। हर्ष भैया हैं, अभी मैं महावीरी झंडा के जुलूस से जा रहा था दुकान से, इनके दुकान से मैं दो कोल्ड ड्रिंक खरीदा। भैया हमारे न्यू सब्सक्राइबर बन गए, अच्छा लगा भैया मिलके। उसका लाइट काफ़ी कम था इसलिए हम दूसरे डीजे पे जा रहे हैं। आज पूरा बलिया शहर जो है वो पूरा एक डिस्को क्लब के रूप में बदल जाता है, समझ लीजिए क्लब बन जाता है पूरा बलिया ज़िला। भाई अगर नहीं देखे हैं महावीरी झंडा तो आज देख लीजिए क्या धमाका होता है यहाँ। भाई है, भाई के साथ आज हम आए हैं। भाई भाई आप कहाँ कहेंगे हो आप यहाँ पर आए? राहुल अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आए जहाँ पे आप हवा का साउंड है, दवा आपके पास और दवा लेकर आए। बलिया मालगोदाम रोड के पास हम
सी स्मॉल सिनेमा हॉल है, ये सी स्मॉल है, बलिया का एकमात्र इकलौता सिनेमा हॉल है ये सी स्मॉल हॉल, और उसके सामने वाला रोड है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। प्रसाद का व्यवस्था है, देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये प्रसाद की व्यवस्था है पूरी जबरदस्त वाली। प्रसाद खा रहे हैं मंदिर में, देख सकते हैं आप लोग, इंतजार करिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी इधर से भी आवाज़ आ रहा है डीजे वाले का, जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
Thank you.
को था इंतजार, आ गया तुम सबका बाप राजन डीजे कटहरी बाजार वाला। हम हैं यूपी 45 के मशहूर बादशाह, राजन डीजे कटहरी बाजार वाले। 3, 2, 1 बेस। जैसे मच्छर भगा रहे हो, औकात हो तो बेस गिरा, ना ही तो अपन जात ना जनवा। चल निकल ले चुप्पे से, लोग हमको प्यार से राजन डीजे कहते हैं, कटहरी बाजार वाले।
से दूरी बनाई रखे। ये हमारा गाँव है सोरे घाट, हर साल की बात है, इस साल में आपका हार्दिक अनुरोध करता है कई भाइयों और दोस्तों का आशीर्वाद मिले, ऐसा ही हम छोटे छोटे अन्य मुन्य दोस्तों के साथ कर्तव्य आपके सामने दिखाते रहेंगे। बोले बोले बजरंगी का बोले
उसने मारा, गवाह नहीं पाओगी, सबूत नहीं पाओगी, और अगर उस जंगल में जाओगे तो उस आदमखोर भेड़िए को ही पाओगे, जो आज भी किसी न किसी के खून का प्यासा है। बलिया एकदम एक डिस्को क्लब में चेंज हो जाता है। इधर भी एक है और
और इधर भी एक रथ है, एक इधर भी। हम लोग पहले इधर चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और झांकियाँ आपको देखने को मिलती है, एक नहीं कम से कम 20-25 ऐसे रथ बनाए हुए हैं ट्रैक्टर पे, गाड़ी पे सजा के, जिस पे अलग अलग झांकी निकाला गया है अलग अलग भगवान के रूप का। और ये विष्णुपुर मस्जिद जो सबसे ज़्यादा एक तरह से टेरर एरिया बोला जाएगा इसको, मतलब खतरनाक देख सकते हैं। पूरा फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स है, क्योंकि ये विष्णुपुर मस्जिद है और बलिया का एक ऐसा एरिया, महावीरी झंडा इधर स्टेज बना हुआ है। Hey!
महावीर झंडा कमेटी जगदीशपुर विजयपुर अखाड़ा
श्रीचरण जी की तरफ से we'll be right back.
I'm
जनता बेकरार बा, आवा बेटवा आवा। We'll be right back.
Thank you.
जनता बेकरार बा, आवा बेटवा आवा।
Thank you.